टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अरशद शरीफ की जो मौत का जिम्मेदार कौन था, मैं यहाँ पे जवाब देना चाहती हूँ कि आप लोग जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम सहाफी बरादरी जिम्मेदार हैं इस कत्ल की, क्योंकि हम सवाल नहीं उठाते उस वक्त जब हमें कहा जाता है कि आप फलां जमात के तर्जुमान हैं, जब ये कहा जाता है कि लफाफा सहाफी हैं, हम साथ शामिल हो जाते हैं उस माफिया के और अपने ही दोस्तों पर इल्जाम आयद करते हैं। तो आज हमें अपने आप से सवाल पूछना होगा कि जब इल्जाम का सिलसिला शुरू होता है तो हम क्यों सवाल नहीं उठाते, क्यों ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है मैं फलां जमात का तर्जुमान हूँ, तुम फलां जमात के तर्जुमान हो और ये टैग हमें मंजूर है। सहाफी पे किसी जमात का टैग नहीं लगना चाहिए, एक जमात के खिलाफ सच बोला जाए तो दूसरी जमात की जानिब से इल्जाम लग जाता है। जब आप यहाँ पर ये सवाल नहीं उठाएंगे, स्टॉप नहीं कहेंगे, इसे नो कहना नहीं सीखेंगे तो ये कत्ल होते रहेंगे और ये अब से सिलसिला शुरू नहीं हुआ। 1992 से लेके 2022 तक 1400 से ज्यादा सहाफी कत्ल हो चुके हैं पाकिस्तान में, जिनका जो है वो नंबर 99 है। तो किसके लिए सवाल उठाया है? चंद माह के बाद आप में से बहुत से लोग मुझसे जब पूछा जाएगा तो हम कहेंगे क्या नाम था उस सहाफी का जिसको कत्ल कर दिया गया था केनिया में। हमें मुल्क का नाम भी याद होगा, हमें कत्ल का तरीका वारदात भी याद होगा, लेकिन हम अपने सहाफी भाई का नाम भूल जाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सवाल उठाएं, अपने आप को टैग ना होने दे किसी एक जमात का। आपने सच बोलना है, सहाफत करनी है, किसी जमात की तर्जुमानी नहीं करनी। और आज जो पोलराइजेशन हम मीडिया में देख रहे हैं, हम और आप उसके जिम्मेदार हैं, उसे हमने ही खत्म करना है। बहुत शुक्रिया। और खासकर जो बात एक बार बार जो है वो सर्कुलेट की जा रही है, शायद हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये हादसा है,
और बारहा जो है मुख्तलिफ, जैसे रूबा ने जिक्र किया कि पोलराइजेशन इस वक्त भी खत्म नहीं हुई और इस वक्त भी हमारे अपनी बरादरी से जब लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और इसको हादसा करार दे रहे हैं तो हमारा दिल जो है खून के आंसू रोता है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जाबर, इन्होंने लाखों स्टोरीज जो है अभी तक हजारों स्टोरीज ऐसी कवर की होंगी अपने करियर में कि जो इस तरह के फायरिंग इंसिडेंट होते हैं, पुलिस मुकाबला होता है, जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इन्होंने वो तस्वीर भी देखी होंगी, गाड़ी की सूरत हाल भी देखी होगी, कहाँ से वो हादसा लगता है, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो जाबर आप इस पे और रोशनी डालें जरा। देखिए इस हवाले से सबसे पहले बात तो ये है कि सुबह के वक्त जब ये खबर मैंने खुद देखी सोशल मीडिया पे के जरिए, और इसमें एक दफा तो बंदा कहता है कि कोई सांस बाकी नहीं रहा कि ये किस तरह एक ऐसी खबर सुन रहे हैं जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें ये तसव्वुर करना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि अर्शद शरीफ और उसके दूसरे साथी पहले ही बता रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन हमने उसको इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि वो हमारे ग्रुप का नहीं था। हमारे अंदर पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है कि हमने उसको संजीदगी से नहीं लिया। क्यों उन्हें एक रात के अंधेरे में यहाँ से अपनी जान बचा के जाना पड़ा? इस वजह से कि यहाँ पे कुछ लोग उनके पीछे पड़ चुके थे, और आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा है, अपने बयान में ये कहा है कि उन्होंने इसी अर्शद शरीफ को मशवरा दिया कि वो यहाँ से चले जाएं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे उनके पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन जब वो वापस आना चाह रहे थे उसके दौरान कौन डर रहा था उनकी वापसी से? इस बात के ऊपर अगर गौर कर लिया जाए वो तमाम मुहर्रकात के जिसकी वजह से उन्हें डिपोर्ट करने की बजाय उन्हें अल्टीमेटम दिया गया दुबई की जो इंतजामिया है उनकी जानिब से कि आप यहां से चले जाएं, तो उन्होंने उस मुल्क का इंतखाब किया जहां पे उन्हें वीजा नहीं लेना पड़ना था, वहां वो चले जाते, वहां पर गए, लेकिन वहां पर भी लोग उनके पीछे रहे। लेकिन यहां पर सबसे पहले बात यह है कि आप सबसे पहले उस साफी कम्युनिटी से कनेक्ट करें खुद को जो कि वहां पर इस वक्त क्राइम रिपोर्टिंग से ताल्लुक रखती है। उन्होंने इस वक्त द नेशन अखबार कीनिया का और जितने भी वहां पे बड़े अदारे हैं वहां पे तमाम मुहर्रकात लिख दिए हैं, ऑनर हो चुके हैं कि वहां पे हर चीज वाजे हो चुकी है कि कोई रुकावट वहां पर मौजूद नहीं थी, जिसका बहाना इस वक्त कीनिया की पुलिस बना रही है कि वहां पर कोई रुकावट मौजूद थी और जिसकी वजह से वहां पर जो है वो उनको रुकना पड़ा या रोकने की कोशिश की, ना रोकने पर फायर किया गया। फायर का जो एंगल है वो बताता है कि वो सिर्फ टारगेट अर्शद शरीफ था। जिस दिन ये वाक्या आया सोशल मीडिया पे हमने कुछ पोस्ट लगाई, उसके बाद लाहौर के इन्वेस्टिगेशन के चंद ऑफिसर्स के साथ मेरी बकायदा इस पर गुफ्तगू हुई, तो उनका यही कहना था कि तस्वीर ये बता रही है कि इससे पहले उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। उनकी तस्वीर को अगर जज कर लिया जाए और अगर इंडिपेंडेंट कोई ज्यूरी दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखे तो ये बात साबित होगी कि पहले उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और फिर उसके बाद उनको फायर का निशाना बनाया गया। और इस तरह के फायर लाहौर में भी बड़े होते हैं, पूरे पंजाब में भी बहुत होते हैं कि जब चलती गाड़ी से कोई डाकू जो है वो किसी गोली का शिकार होता है, जब इस तरह के जो रात के अंधेरे में खासतौर पर इस तरह के कई ऐसे मुकाबले हमने देखे हैं, तो ये जो स्क्रिप्ट था वो देखते साथ ही मैं समझ गया कि ये तो देसी स्क्रिप्ट है, इन्होंने तो स्क्रिप्ट भी नहीं बदला, स्क्रिप्ट भी वही है और तरीकाकार भी वही है। बिल्कुल जी, हुकूमत आज कह रही है जी हम तहकीकात करेंगे, कमीशन बनाएंगे, तो बारहा जो है हमारा सवाल एक ही है कि ये नौबत क्यों पेश आई? और अर्शद शरीफ साहब आज हम में नहीं है, वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं, लेकिन क्या उनका सवाल मर गया? क्या उनका सवाल कोई मार पाया? मुझे तो बल्कि वही नारा याद आ रहा है जो एक सियासी जमात लगाती है नारा, आज वो हलीफ है, हुकूमत वक्त के साथ है, और मैं भी आज यही नारा लगाऊंगा कि जिंदा है अर्शद शरीफ, जिंदा है, जिंदा है अर्शद शरीफ, जिंदा है। तुम कितने अर्शद शरीफ मारोगे? हर साहबी अर्शद शरीफ बनेगा, और आज ये लग रहा है, आज इतने लोग यहाँ पर खड़े हुए, हो सकता है इनमें से आप में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद उनका उस तस्वीर पे भी मजाक उड़ा रहे होंगे, वो लोग इसमें मुर्द इल्जाम ठहराना चाहिए हमें उन लोगों को जो उनकी तस्वीर को वायरल करते थे, कहते देखिए ये भगोड़ा है एयरपोर्ट से भाग रहा है, तब लोगों को कहां होश नहीं आया। आज मैं ये समझता हूँ कि सारे लोगों को ये मुतालबा करना चाहिए, कमीशन ठीक है बन रहा है, लेकिन ICJ में ये जाना चाहिए। ये केस जमाल खशोगजी के बारे में जब पूरी दुनिया में आवाज आई थी और सबने बुरा भला कहा था, पूरे दुनिया में सऊदी अरब का इमेज जो है वो खराब हुआ था, आज पाकिस्तान के इमेज के क्या किसी को कोई नहीं पता? ये एक नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है। आज कीनिया के जो साफी वो भी कह रहे हैं कि पहले तो हमें मारते थे, अब दूसरों के साफी भी मारने लग गए हैं,
तो इस चीज में मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को खड़े होना चाहिए और पूरी दुनिया को मिलकर साथ देना चाहिए। आज उनकी बारी थी, कल आपकी या मेरी बारी होगी। बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई और दोस्त बात, हम यहाँ पे गम में शामिल है, लेकिन हम लोग बेवकूफ है आज यहाँ पे आए हैं। हम लोग आज भी यहाँ पे ना आते क्योंकि अरशद शरीफ मैं भी हूँ, ये भी है अरशद शरीफ साहब। अगर हम अपने अंदर में देखें तो हर शख्स अरशद शरीफ साहब है। मेरी यहाँ से आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे एकजुट हो जाए, यहाँ पे अपने चैनल को छोड़ दें। कोई फला चैनल का है, कोई फला चैनल का है, मौत किसी को नहीं देखती। आज हम इकट्ठे नहीं होंगे तो अरशद शरीफ किसी भी चैनल से बाहर निकलेगा। मेरी गुजारिश है बाहर आए और उनका साथ दें, उनके कातलों को जो है कैफले किरदार तक पहुंचाएं।